लोकतंत्र कुचलने की हर कार्रवाई के खिलाफ है। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र है, ये लड़ाई बुलडोजर बनाम संविधान है। संविधान का पालन भाजपा की सरकारों को करना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाना आपका मकसद कहाँ है? आप हजारों की तादाद में मीडिया फोर्स लेकर के आ रहे हैं, आप एक डरा रहे हैं लोगों को, आप गरीबों को डरा रहे हैं, आप अतिक्रमण नहीं हटा रहे। अतिक्रमण हटाना है तो देखिए कचरा पड़ा हुआ है, कचरा हटाइए, कचरे से अतिक्रमण है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आदेश गुप्ता के बाहर के भर का इंक्रोचमेंट हटाए, आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप करिए उस पर सवाल ना। आपको अगले, आपको मुझे लगता है यहाँ से सीधे आदेश गुप्ता जी के घर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना अतिक्रमण कर रखा है। अगर गरीबों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो मैं ऐसी राजनीति करूंगा। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में और इमरान प्रतापगढ़ यहाँ पर है, बात करते हैं उनसे। राजनीति कर रही है बुलडोजर के हवाले, एक सांप्रदायिकता का मैसेज देना चाहती है। अतिक्रमण हटाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना है मकसद है तो सबसे पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदेश गुप्ता ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर बुलडोजर चलाइए, उसके बाद गरीबों के अतिक्रमण हटाने की बात करिए। आपका मकसद सिर्फ सांप्रदायिकता भरा मैसेज देना है बस। लेकिन सर कहां कर रखा है उन्होंने? आपके चैनल ने दिखाया है, आप चले जाइए एक बार वहां दौरा करके आइए, आप तो पत्रकार हैं, आपका फर्ज बनता है। शाहीन बाग में अगर अतिक्रमण है लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर अतिक्रमण हटेगा तो सुविधा उन्हें ही मिलेगी। नहीं, अतिक्रमण हटाना आपका मकसद कहाँ है? आप हजारों की तादाद में मीडिया फोर्स लेकर के आ रहे हैं, आप एक डरा रहे हैं लोगों को, आप गरीबों को डरा रहे हैं, आप अतिक्रमण नहीं हटा रहे। अतिक्रमण हटाना है तो देखिए कचरा पड़ा हुआ है, कचरा हटाइए, कचरे से अतिक्रमण है। पाइपें पड़ी हुई हैं सीमेंटेड, उनसे अतिक्रमण है। अतिक्रमण का जो आप संदेशा दे रहे हैं वो सांप्रदायिकता भरा है। पहले जहांगीरपुरी, फिर अब शाहीन बाग। मैं कह तो रहा हूँ ना, आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण हटाइए, उसके बाद गरीबों के घर का अतिक्रमण हटाइए। कैसे देखते हैं इमरान जी? इमरान जी, आप एक बार वहाँ दौरा करिए, आप देखेंगे कि कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितना सीमेंटेड है। 100 फुट की सड़क पर 50 फुट जो है वो दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ। मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ अतिक्रमण हटाना मकसद है तो सड़क साफ करिए। क्या ये बुलडोजर लोगों को डराइए मत, सिंबल की तरह यहाँ पर आया है। पूरी तरह से ये लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र करने कोशिश है। क्या मैसेज है बुलडोजर करने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डराने का मैसेज देना चाहती है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ कोई अतिक्रमण था ही नहीं। उन्हें एक सियासी तमाशा खड़ा करना था, वो खड़ा करने में कामयाब रहे और उसमें आप मीडिया वालों ने उनका साथ दिया। कार्रवाई जो हो रही है जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में और लगातार नहीं, बीच में उन्होंने अलवर में एक मंदिर भी तोड़ा भाजपा ने। भाजपा सेलेक्टिव कार्रवाई करने के बीच बीच में मंदिर भी तोड़ रही है, भाजपा ही तोड़ रही है, ये देश को जानने की जरूरत है। नहीं, आप मुझे बताइए यहाँ अतिक्रमण कहाँ है? आप यहाँ कितनी देर से मौजूद हैं? बुलडोजर आने से पहले मौजूद है ना? यहाँ से एक भी ईंट हटाया उन्होंने? कौन सा, आप किस मकान को कहेंगे कि ये अतिक्रमण है? आपको दिखा कोई अतिक्रमण? तो जाहिर सी बात है अतिक्रमण था ही नहीं। अतिक्रमण आगे है, कचरा पड़ा हुआ है उससे अतिक्रमण है, सीमेंटेड पाइप पड़ी है जिससे लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है, वो हटाइए। एमसीडी का काम यह है कि वो मार्ग प्रशस्त करे, रास्ता साफ करे, लोगों की दुकानें मत उजाड़े जो कानूनी है। कहीं चुनावी ये सियासी दाव तो नहीं है? और क्या लगता है, भाजपा कोई भी काम वो सांस भी लेते हैं तो सियासत ही करते हैं। दरअसल वो बर्लिन जाके तमाशा करते हैं, ढोल पीटते हैं, वो भी सियासी तमाशा है। 50 रुपए जो गैस उन्होंने बढ़ाया है उस पर बात कैसे ना हो, उसके लिए शाहीन बाग के सामने फोटो खिंचवाओ, मीडिया में चलवाओ। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाना, सियासी तमाशा, सियासी तमाशा। एक राजनेता और एक शायर के तौर पर आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? हम लोकतंत्र कुचलने की हर कार्रवाई के खिलाफ हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र है, ये लड़ाई बुलडोजर बनाम संविधान है। संविधान का पालन भाजपा की सरकारों को करना पड़ेगा, हम सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। उसमें ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से कही गई है कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट बहुत जगह है,
अगर आप द्वारका में जाते हैं तो इरीगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आती है उस ड्रीम्स तक पे इंक्रोचमेंट है, इन सड़कों पे भी इंक्रोचमेंट था आज नजर नहीं आया। आप दिल्ली में कहीं भी घूम लो हर जगह इंक्रोचमेंट नजर आता है, तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ना कि इंक्रोचमेंट हटाए। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आदेश गुप्ता के बाहर के भर का इंक्रोचमेंट हटाए, आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप करिए उस पर सवाल ना। आपको अगले आपको मुझे लगता है यहाँ से सीधे आदेश गुप्ता जी के घर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना अतिक्रमण कर रखा है और उसके खिलाफ आपको एमसीडी से गुजारिश करना चाहिए, एमसीडी के अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए कि वो आदेश गुप्ता के घर के बाहर का अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे। सर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइंस के पास जितनी भी जगह थी उनको हटाने की बात कही, सरिता विहार पास में ही है जहाँ पे भी इंस्पेक्शन हुआ था। अगर उसी मुद्दे पर आदरणीय उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया है सर, उसी बिल्कुल हमें कौन सा राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूँ, मैं कौन सा बयानबाजी कर रहा हूँ मेरे भाई, कौन सी बयानबाजी कर रहा हूँ, कौन सी बयानबाजी कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूँ क्या आप? क्यों आए हैं यहाँ पर, राजनीतिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमसे? ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप राजनीतिक सवाल मत पूछिए। अगर गरीबों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो मैं ऐसी राजनीति करूंगा। आपने थे मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी जिन्होंने साफ कहा कि यहाँ बुलडोजर चलाकर हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं, बीजेपी सरकार केवल यहाँ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, बुलडोजर दिखा के ये एक उसका सिंबल है और डर पैदा करना चाहती है।